हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज बैंक निफ्टी लगभग 37,424 पे बंद हुआ है, लगभग 500 पॉइंट नीचे। और हमने बैंक निफ्टी में अच्छी खासी सेल ऑफ देखी, आज लगभग 1.28% नीचे बंद हुआ है। तो निफ्टी के एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज अच्छी खासी सेल ऑफ देखी हमने। और यहाँ जो है तो वीकनेस धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी यहाँ देखते हैं वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हम जो है तो वीक के लिए लगभग 1100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 3% डाउन। पिछले वीक भी हमने लगभग 1% डाउन क्लोजिंग दी थी। और इस वीक जो है तो हम नीचे के लेवल से अच्छा खासा रिकवरी देखा है, मगर फिर से जो है तो जैसे मैंने कहा, एक बार बाउंस बैक खत्म हो गए हैं कि फिर से नए शॉर्ट बनने लगेंगे और सिस्टम में फिर से नए शॉर्ट ऐड होने लगे हैं अगले सीरीज में। तो यहाँ नीचे के लेवल आने की ज़्यादा संभावना है। और एक हम एक डीपर फॉल भी देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, जिस तरह से अभी वीकली चार्ट पे जो प्राइस पैटर्न है और जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी शायद 35,200 या फिर उसके नीचे के भी लेवल जो है तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म में दिखा सकता है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे देख सकते हो कि हम जो है तो आज लगभग 1.28% नीचे बंद हुए, लगभग 500 पॉइंट नीचे डाउन। और कल जो है तो कल भी हम लगभग 300 पॉइंट नीचे बंद हुए थे, लगभग 1%। तो यहाँ ऊपर जब जो बाउंस बैक था वो पूरा सेल सोल्ड ऑफ हो चुका है। और यहाँ हो सकता है कि जो हमने लो देखा था वो भी लो टूट जाए इस वीक। तो जैसे ही अभी ये वॉर का सिचुएशन बिल्डअप हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो है तो ये बाउंस बैक फिर से जो है तो फ्रेश सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ ऊपर के लेवल पे बियर्स जो है तो अच्छी खासी सेल की पोजिशन बना रहे हैं। अभी डेली चार्ट पे जो मुझे टारगेट लगते हैं इसके, तो जैसे हम 37,400 के नीचे स्लिप करेंगे, हमें 36,250 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से हमें लगभग 1100 से 1200 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि जो कल फ्राइडे है तो लास्ट डे है वीक का, तो एक ब्लैक फ्राइडे दिन, ब्लैक फ्राइडे सिनेरियो हो सकता है। और एक अच्छी खासी सेल ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिल सकती है। अगर हम 36,250 के नीचे स्लिप हो जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 35,200 का, जो हमने वीकली चार्ट पे देखा था 35,200 का ये टारगेट रहेगा अगर हम 36,250 के नीचे जाते हैं। तो वहाँ से भी फिर से 1,000 पॉइंट का फॉल आ सकता है। तो करंट लेवल से बैंक निफ्टी 2,000 से 2,500 पॉइंट नीचे जाने की संभावना दिख रही है एज पर डेली और वीकली चार्ट के हिसाब से। और यहाँ आपको सेल ऑन राइज व्यू रखना है। आपको जो है तो 37,800 और 38,000 के अराउंड सेल करना है अगर बाउंस बैक मिलता है। मुझे नहीं लगता मिलेगा, अगर मिलता है तो उसके अराउंड आपको शॉर्ट जाना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 38,300 का, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। और आपको टारगेट वहाँ से मिल सकते हैं लगभग 1,500 से 2,500 पॉइंट के। और ये जो टारगेट रहेंगे ये आने में कम से कम एक हफ्ता लग सकता है। तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू रहेगा बैंक निफ्टी पे। अभी देखते हैं आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हैं हमने गैप डाउन के साथ शुरुआत की थी, अच्छा सेल ऑफ देखा, ओवरसोल्ड हुए, वहाँ से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखी, फिर ऊपर जो है तो पिवट का टच किया, जो गैप था वो फिल किया। और उसके बाद में फिर से जो है तो पिवट के अराउंड फ्रेश शॉर्ट पोजिशन ऑलरेडी बिल्टअप हो चुके हैं बैंक निफ्टी में। और यहाँ जो है तो कल के लिए मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 36,500 और जो डेली चार्ट पे दिख रहा है हमें 36,250। तो 36,500 टू 250 तो ये कल के लिए टारगेट रहेंगे। आपको यहाँ सेलिंग पोजीशन बनानी है 37,700, 800 और 38,000 के अराउंड। तो यहाँ मल्टीपल लॉट आपको ऐड करने हैं। और यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा 38,300 का, टारगेट रहेंगे कल के लिए हमारे 36,500 और उसके बाद में 250 के। तो लगभग हमें 1,000 से 1,200 पॉइंट, लगभग 1,000 से 1,200 पॉइंट का अच्छा खासा गेन दिखाई दे सकता है। यहाँ ऑप्शन ट्रेडर है उनके लिए सलाह रहेगी कि आप जो है तो इन द मनी पुट ऑप्शन में एक्यूमुलेशन करना शुरू करें। तो आपको एक्यूमुलेट करना है 37,700 का पुट ऑप्शन, उसमें जो है तो एक्यूमुलेशन कीजिए डिप्स पे, एक एक लॉट ऐड करते जाइए हर 50 पॉइंट पे। और यहाँ जो है तो आपको अच्छे खासे लगभग 2x to 3x गेन देखने को मिल सकते हैं अगर हम जो है तो 36,250 पे जाते हैं। तो वहाँ हमें लगभग 2x to 3x गेन उस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। और ये मैं मंथली ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हमने देखा है कि अच्छा खासा बाउंस बैक आया शॉर्ट कवरिंग की वजह से, और फिर से जो है तो जैसे एक्सपेक्टेड था फिर से यहाँ सेल ऑफ शुरू हो चुका है। और ये सेल ऑफ जो है
तो मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म में चालू रहेगा और इस बार शायद हम 200 डेज का जो एवरेज है वो तोड़ के लगभग हो सकता है कि 34,000 या फिर उसके भी नीचे जाए ऑन पैनिक। अगर ये वॉर का पैनिक फैलता है तो अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल जाएगी। अगर वॉर का नहीं होता है तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं अगले महीने फेड के वजह से, उसके वजह से भी अच्छा खासा सेल ऑफ आ सकता है। और जिस तरह से फेड जो FII है हर दिन 1,000-1,500 करोड़ का सेल ऑफ करके जा रहे हैं, तो बाद में जो है तो मार्केट में वॉल्यूम ना होने की वजह से भी मार्केट गिरता है कभी कभी, तो कोई बायर ही नहीं रहते मार्केट में, तो उसकी वजह से प्राइजेस जो है तो अपने आप गिरने लगते हैं और ये फिनोमेना आपको बॉटम पे देखने को हर वक्त देखने को मिलता है। तो यह हमने देखा डेली चार्ट, वीकली चार्ट और कल के लिए ट्रेड भी देखा, या सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। तो आई होप सो कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए कल हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाकी आपको लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।